हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अब मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे लोग से जब मिलती हूँ, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम चल रहा है और एनुअल भी आने वाला है, तो एनुअल के लिए लोगों के मैं प्रिपरेशन पूछ रही हूँ कि कैसे उन लोग तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे लोग काफी मेरे से पूछ रहे हैं कि मैडम किस तरीके से तैयारी करें और समय कम है, फिजिक्स भी है और आपका केमिस्ट्री भी है, तो आप अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी का कक्षा 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहा है उसका पेपर सबसे लास्ट में है बायोलॉजी का, और समय भी उसके लिए बहुत मिले हुए हैं, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। 10 दिन भी इनफ होता है उसको पढ़ने के लिए, अगर रिवाइज करे तो ठीक है, रिवाइज सेशन चलेगा तो उसमें एकदम पर्याप्त आपके पास समय है बायोलॉजी के लिए। लेकिन आपको अभी ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें छुट्टियां भी बहुत कम मिली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा सीरीज जो मिशन 2023 चल रहा है उसके आगे के लेक्चर की आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई आज जो है आपका 3 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, उसके पहले कुछ हमारे ये टिप्स जरूर देखें, क्योंकि हमको पता है कि एक अभी कुछ बच्चे जो हैं उनके हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। बोल रहे हैं एक, मुझे एग्जाम्स की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो मेरे पास आए और बहुत सारे बच्चे इन्होंने हैं और कहा कि भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है करके, ठीक है। तो ये एक बोल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि परेशान हूं कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि साल भर पढ़ा नहीं, पढ़े रहते हो तो थोड़ा सा क्या रहता है, टेंशन रहता है, ये वाला आ गया तो पेपर में, ये वाला आ गया तो पेपर में, इस बात की सबको क्या होती है, टेंशन रहती है। तो भाई अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों सिचुएशन से आपको हटना है, सिर्फ आपको तैयारियां करती जानी है, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लेसन में हम क्या देखने वाले हैं, हम इस पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है यूनिट सेकंड से 2 अंक हमारे प्रश्न हो चुके हैं, आज हम देखेंगे 3 अंक वाले प्रश्न, फिर हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्न, कहां कहां से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का 3 अंक वाला प्रश्न, ठीक। पहला प्रश्न क्या लिखा है, पढ़िए। पहला प्रश्न लिखा है जो कि 2019 में आया है और यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखने का पैटर्न पढ़ तो आप ले रहे हो, लेकिन सब कोई पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ रहे हो, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन क्यों आपको टीचर्स उन सब में आपको ज्यादा मार्क्स दे, सब कोई एक जैसे लिखोगे तो सबको एक जैसे नंबर देंगे क्या? अब भाई आप लिखने का पैटर्न कुछ अलग से कर दो ताकि मार्क्स देने वाला आपको जबरदस्ती मार्क्स दे दे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने के पैटर्न में आपको सुधार करने की जरूरत है, यदि आप पूरा पढ़ चुके हो तब, ठीक। चलिए पहला प्रश्न, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम है ना, प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ 2019 में, ठीक। एक और क्वेश्चन आया कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं और F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनने वाले हैं, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण की बात कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि क्या होता है, कितना आता है, सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या कि ये होता क्या है और हम कैसे निकालें, पेपर में जो हमको जो टिप्स जरूरी है करना है, ठीक है, वो क्या है वो देखें। पहला प्रश्न जो दिया क्या, एक संकरण क्रॉस, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक संकरण क्रॉस क्या होता है, तो अब थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे आंसर राइटिंग पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन क्या था, आपको लिखना है क्या, सबसे पहले आप लिखोगे एक संकर संकरण, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, एक संकर संकरण ये क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में लिखोगे। तो भाई एक संकर संकरण क्या होता है, जब एक ही लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, हमने पढ़ा था क्या, 7 लक्षण, मेंडल ने 7 लक्षणों को, मटर के पौधे के 7 लक्षणों को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया, और साथ ही लक्षण देखो बोले थे ना
हम पहला प्रश्न हमारा क्या था कि मेंडल का जो मटर के ही पौधे को चुनने का क्या कारण था, क्योंकि मटर में 7 कैरेक्टर थे, सबसे ज्यादा विप्रियाई लक्षण थे और मटर के ही पौधे को उन्होंने लिया। तो यहां पर पूछा एक संकर संकरण, जब एक ही लक्षण को लेकर हम क्रॉस कराते हैं, मान लो जाए वो लक्षण क्या है, लंबाई, ठीक है, वो लक्षण क्या है, लंबाई है। अब लंबाई को लेकर के यदि हम क्रॉस कराए तो लंबाई में भी दो होंगे, एक प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी होता है, आपको पता है। तो जब हम इस लंबाई के दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, पहला क्या है, लंबा पौधा हो सकता है, यानी कि प्रभावी में, है ना, प्रभावी में क्या है आपका, एक होता है लंबा पौधा और एक होता है अप्रभावी की यदि हम बात करें तो अप्रभावी में होता है क्या, बौना, बौना पौधा होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पहले कि मैं क्या बात करी, एक संकर संकरण किसको कहते हैं, सबसे पहले आपने देख लिया कि जब एक ही लक्षण को, एक ही विप्रियाई लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है, संकर कराया जाता है, तो संकरण कराया जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। चाहे एग्जाम्पल आप लिख लिए, चलो लंबाई, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, जो आपके बुक में लिखा है लंबाई को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया था सबसे पहले। तो अब एक लंबाई में एक लंबा पौधा हो गया, भाई कोई पौधा लंबा पौधा होता है, कोई जो होता है बौना पौधा होता है, तो हमने क्या किया, इसकी लंबाई को लेकर के यहां पर प्रभावी लंबा होगा और अप्रभावी बौना हो गया, हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया भाई। अब हम क्वेश्चन क्या पूछा, प्रभाविता का नियम भी पूछा है यहां पर। तो यहां पर हमने क्या लिया, एक लंबा पौधा का जीन लेंगे और एक बौने पौधे का हम जीन लेते हैं। तो लंबे पौधे का जीन्स कौन सा है, यहां पर रिवाइज कर रही हूं, तो आप सिर्फ रिविजन्स को लेकर के चलते जाएंगे। लंबा पौधे में उन्होंने क्या लिया था, आप मुझे बताएं कि लंबे पौधे में उन्होंने क्या लिया था, थोड़ा सा ध्यान देना, लंबे पौधे में यानी कि प्रभावी लंबा पौधा है, ठीक है, ये क्या है, प्रभावी, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं क्या, अप्रभावी, ठीक है, प्रभावी में ये क्या है, लंबा पौधा, लंबा पौधा के लिए सबसे पहले आते हैं हम यहां पर लिखेंगे क्या, जनक की बात करेंगे, ठीक है, जनक का जीन्स, लंबे पौधे का जो जीन्स है ये है लंबा पौधा और ये क्या है आपका, बौना पौधा। लंबे पौधे का जीन्स क्या है, जनक, ये जनक है, कैपिटल टी कैपिटल डी, क्योंकि अब मैंने एक ही चाहूं तो मैं लंबाई के लिए सिर्फ और सिर्फ टी ही लिख सकती थी, अब बताओ मैं क्या सिर्फ टी को शो नहीं कर सकती क्या लंबे के लिए, बिल्कुल कर सकती हूं, लेकिन मैं यहां पर डबल टी क्यों लिखी, इस पर हम बात करेंगे। तो डबल टी बेटा मैंने क्यों लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिए, डबल टी मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जीन्स हमेशा, ध्यान देना, जीन्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है, जोड़े में पाए जाते हैं, जीन्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इसीलिए हम एक ही जीन्स नहीं लिखते, हमेशा दो जीन्स लिखते हैं एक साथ। लंबाई के लिए चाहे बात करूं, चाहे मैं बौने पौधे के लिए मैं बात करूं, हमेशा जीन्स जो होगा जोड़े में ही पाया जाता है। तो यहां पर हमने लंबे के लिए लिख लिया क्या, कैपिटल टी लॉन्ग, है ना, टॉल, तो यहाँ टेल हो गया, और ये बौना के लिए ड्वार्फ, यानी कि लेकिन हम ड्वार्फ नहीं लिखेंगे, इसी का हम स्मॉल लेटर लेंगे और हम उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या है, जीन्स, लंबे के लिए जीन्स हमने लिया कैपिटल टी और बौने के लिए हमने जीन्स लिया स्मॉल टी, स्मॉल टी। अभी लिखा हुआ सारा चीज दिखाऊंगी आपको क्या लिखना है, पहले बस समझिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जीन्स हमेशा जोड़े में होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दे, अब ये हो गया जनक, अब जनक से जब हम संकरण कराते हैं, एक को हम ले लेते हैं क्या, नर ले लेते हैं, और एक को हम ले लेते हैं क्या, यहां पर हम ले लेते हैं मादा, ठीक है, ये पेरेंट है, ये जनक है, नर और मादा, हमने ले लिया नर के लिए कैपिटल टी और मादा के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब दोनों के बीच हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस करा देंगे, संकरण करा देंगे। तो संकरण कराने के पहले क्या बनता है, पहले मुझे ये बताओ, संकरण तो आप कराओगे लेकिन संकरण बनाने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर युग्मक बनाना पड़ेगा, मतलब यहां पर विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन करोगे तो कैपिटल टी और ये क्या है, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी और ये क्या है, स्मॉल टी। इसको हम लिखेंगे यहां पर क्या, युग्मक, क्या लिखेंगे,
युग्मक लिखेंगे। बेटा ये ध्यान देना बेटा, इसको आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। नर लिखोगे या तो आप सिंबल बना दो वहां पर, ये लिखोगे मादा, एक तरफ को नर लोगे एक तरफ को मादा लोगे, ठीक है। दोनों को क्रॉस करा दो भाई, क्रॉस कराओगे, ठीक है। जब क्रॉस कराओगे तो अब मुझे बताओ ये कैपिटल टी को सबसे पहले मैं इसके साथ क्रॉस कराऊंगी तो क्या बनेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ क्रॉस करा दे तो क्या बना बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ क्रॉस करा दूं तो मैं क्या बनाऊंगी बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाऊंगी। अब इसका इसके साथ क्रॉस करा दूं तो क्या बनेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये आप लोगों ने सब कोई बनाया है कि नहीं देखो, कमेंट करो। आपको डायग्राम भी इसी तरीके से बनाना, पता चला आप लोग क्या करो, यहां से यहीं पर क्रॉस करा दिए, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों के साथ क्रॉस कराओगे, फिर इसका इन दोनों के साथ क्रॉस करा दोगे। तो आपको सारे के सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ही दिखाई दे रहे हैं भाई। तो आप याद रखोगे, इसका हो गया 25%, ये हुआ 25%, ये आया 25%, ये आया और 25% ये, मतलब टोटल देखा जाए तो 20-25% ही कैपिटल टी स्मॉल टी ही आया। अब एक चीज और, यहां पर आपको लक्षण जो दिखाई दे रहा होगा, एक लिखा है कैपिटल टी, एक लिखा है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी किसका है भाई, लंबे पौधे का जीन्स है। स्मॉल टी किसका जीन्स है, आपका बौने पौधे का जीन्स है, ठीक है। ये लंबे पौधे का जीन्स है और ये क्या है, बौने पौधे का जीन्स है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रहे, अब यहां पर प्रश्न जो पूछा गया था प्रभाविता के नियम के अनुसार पूछा है, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है बेटा, प्रभाविता का नियम कहता है जब प्रभावी लक्षण के जीन्स और अप्रभावी लक्षण वाले जीन्स दोनों साथ में उपस्थित हो। ये क्या है, प्रभावी लक्षण वाले जीन्स है, लंबा क्या है, प्रभावी है, देखो प्रभावी है, और बौना पौधे क्या है, अप्रभावी है, है ना, ये क्या है, अप्रभावी है। जब दोनों पौधों के जीन्स, प्रभावी और अप्रभावी दोनों पौधों के जीन्स जब एक साथ उपस्थित हो तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि प्रभावी लक्षण वाले जीन्स अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, दोनों ही लक्षण के जीन्स यहां उपस्थित है, तो क्या बोला प्रभाविता के नियम के अनुसार कि प्रभावी लक्षण वाले जीन्स अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, कौन से जनरेशन में करेंगे, तो इसको हम कहते हैं F1 संतति, यानी कि F1 इसको हम कहेंगे जो आया, F1 जनरेशन यानी कि पीढ़ी, इसको हम लिख देते हैं क्या, F1 पीढ़ी कहा जाता है। एक हमने लिखा जनक लिख दिया पैरेंट, ये युग्मक बना, और जो F1 जनरेशन में आया है वो क्या है, F1 पीढ़ी आया। और F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे हैं भाई, लंबे। अब मैडम लंबे आपने क्यों कहा, क्योंकि बेटा प्रभाविता का नियम तो यही कहता है कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे के जीन्स दोनों साथ में उपस्थित हो तो प्रभाविता के नियम के अनुसार हमेशा प्रभावी जीन्स के लक्षण ही अपने लक्षण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। प्रभावी लक्षण वाले जीन्स ही अपने लक्षण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। तो बौने पौधे का लक्षण यहां पर छुप जाता है, होता तो है परंतु वो दिखाई नहीं देता, वो छुप जाता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है। तो यहां पर जब हम ये सारे के सारे पौधे कैसे होंगे, सारे के सारे होंगे क्या, संकर लंबे होते हैं, ठीक है। सारे सारे कैसे होंगे, लंबे ही होंगे, बौने आपको एक भी दिखाई नहीं देते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब मुझे बताइए, हमको इसका भी तो निकालना है ना, अप्रभावी का भी तो देखना है, तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उसका हम करा देते हैं स्व परागण। तो जस्ट इसी के नीचे ही आप लिखोगे क्या, F1 पीढ़ी का स्व परागण कराएंगे, ठीक है। यहां पर मैं बना देती हूं, थोड़ा सा ध्यान देखना, ये जो आया है आपका यही तो आया है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका हम क्या करा देंगे, स्व परागण
परागण करा देंगे, ठीक है। अब स्व परागण कराएंगे तो एक को आप मान लो नर ले लो, एक को ले लो मादा ले लो, ठीक है। अब जब स्व परागण कराते हैं तो स्व परागण क्रॉस जब कराएंगे तब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो भाई आप यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका युग्मक बना दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। इनका भी युग्मक हम बना देंगे तो यहां पर आप लिखोगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और बगल में लिख दो क्या, युग्मक हमने बना दिया, ठीक। अब स्व परागण कराएंगे, स्व परागण करवाने के बाद हमने युग्मक बनाया और युग्मक बनाएंगे तब क्या कराएंगे भाई, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस करा दो भाई, चलो ये हमने क्रॉस कराया, ये हमने कराया इसके साथ सबसे पहले कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, और क्या हो गया ये स्मॉल टी, ये आपको बनाना है पेपर में, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आ गया, ठीक है। इसका इसके साथ बना लो भाई, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ध्यान दो, सारा का सारा आपका कैसा दिखाई दे रहा है, देखो एक जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं बेटा शुद्ध, ठीक है। 25% क्या है, शुद्ध लंबा, क्या है ये, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है। ये क्या है, 25% क्या है आपका, 25% शुद्ध शुद्ध बौना पौधा आ गया। और दो देख रहे हो, दोनों कैसा है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दो कैसे हैं, संकर लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इसका जो क्वेश्चन आएगा ये लिखना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात पूछा जाता है आपके पेपर में भाई, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या है आपको निकालिए, ठीक है। F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप या एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात निकालिए बोला जाता है, यहां लिखा ना प्रश्न में F2 जनरेशन में लिखा हुआ है ना, तो F2 जनरेशन में इसी को हम लोग कहते हैं क्या, F2 पीढ़ी कहते हैं। ये क्या निकला, F2 पीढ़ी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में आप देखो, एक लंबा पौधा बनेगा, ठीक है, एक शुद्ध लंबा पौधा बनेगा, दो संकर लंबे बनेंगे और एक शुद्ध बौना पौधा बनेगा, एक बौना पौधा बन गया। मतलब यहां पर एक प्रश्न जो पूछे जाएगा, जीनोटाइप हमने पढ़ा ना, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो ये अनुपात निकालो बोलेगा। तो भाई अनुपात कैसे निकालोगे, तो यहां पर आपको लिखना है क्या, जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप अनुपात, और यहां पर क्या लिखोगे, फिनोटाइप अनुपात। तो जीनोटाइप आप जीन्स को देख करके तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप अनुपात एक आपका सेम दिख रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये क्या है आपका भाई, ये लिखोगे क्या, 25% ये था ना, और ये कैसा होगा, 25 25, ये क्या है 50%, ये क्या है 25%, ये क्या है 25%, तो 25 50 25, यही है। मतलब रेशियो क्या निकलेगा इसका, 1 एक लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे, और 1 कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है। तो ये हो गया रेशियो जीनोटाइप अनुपात इसका, 1:2:1, ठीक है। अब मैं फिनोटाइप के अनुपात की बात करूं तो 3 लंबे मुझे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई, 1 लंबा ये, 2 लंबे ये, तो 3 लंबे मुझे तो दिख रहे हैं। फिनोटाइप मतलब देख करके बताना, उसके रंग आकार स्वभाव को हम देख करके बता सकते हैं। तो भाई 3 लंबे हमको दिख रहे हैं, तो 3 लंबे अर्थात इसका रेशियो कितना निकलेगा, 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा, मतलब 1:3:1 यहां हो गया। यानी कि जीनोटाइप अनुपात की बात करूं तो 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात की बात करूं तो 3:1 हो गया। तो ये था आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, ठीक है। अब इसी को क्वेश्चन को क्या दे देता है कभी कभी, चेकर बोर्ड माध्यम, यानी कि चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाए, तो बहुत इजी है, वो भी कुछ नहीं करना है आपको, एक बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स में एक एक देखो, यहां पर हम लंबे पौधे की बात करें तो भाई एक लंबा पौधा हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी, एक को नर ले लिए और एक को क्या ले लिए, मादा ले लिए, क्रॉस करा दो भाई यहां पर कैपिटल टी
है ना, इसका इसके साथ कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी, बस चेकर बोर्ड में बस ऐसे ही क्रॉस कराना है और कुछ नहीं करना है। जो हम लोग इधर ऐसा करा रहे थे उसी को एक बॉक्स बना के बस आपको क्रॉस कराना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यही चीज आपको करना है, बॉक्स बना करके खत्म कर देना, रेशियो लिख देना, दैट्स इट, आपका कहीं नहीं गया है तीन नंबर का प्रश्न। हो सकता है मे बी इसको पांच नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, अगर बोलेगा भाई पूरा को बनाने बोलेगा, पूरा लिखने बोलेगा, तो वो पांच नंबर का ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया होगा। तो वहां यहां पर आपको लिखने का भी तरीका देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, यहां पर सिर्फ आपको दिखा देती हूं क्या लिखा है, ठीक है। हमने जो जो चीज किया है वही वही चीज लिखा है। क्या लिखा है? एक जोड़ी विपर्य लक्षणों के मध्य होने वाला संकरण क्या हो गया? एक संकरण संकरण, ठीक है। मेंडल ने मटर में अनेक एक संकरण संकरण, लंबे पौधे और बौने मटर के पौधों के बीच में क्या कराया? लंबा पौधा मटर का ले लिया और बौने पौधे ले लिए, दोनों के बीच संकरण कराया। और उन्होंने इसमें एक शुद्ध लंबा एक बौना पौधा लिया, है ना, बड़े लंबे पौधे जींस लिए। ये देखो ये लिखा है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का दर्शा दिया। दोनों जनकों द्वारा क्रमशः कैपिटल टी स्मॉल टी के जीनोटाइप वाले युग्मक का निर्माण हुआ, हमने देखा कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, ठीक है। दोनों में निषेचन यानी कि क्या हुआ? स्वपरागण की प्रक्रिया करवाई थी हमने। तो निषेचन करवाने के बाद क्या मिलता है हमको? एक तो पहला फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन प्राप्त होता है, सेकेंड में क्या प्राप्त होता है? F2 जनरेशन प्राप्त हो जाता है। तो परसेंट कितना निकला था भाई? तो भाई परसेंट निकला था F2 जनरेशन में तीन प्रकार के पौधे हमको प्राप्त हो गए, वो लिखना पड़ेगा आपको कि लंबे पौधे शुद्ध समझात वाले यानी कि 25% निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% निकला, अशुद्ध मतलब बौने पौधे 25% निकला। तो इस प्रकार से कितना हो गया रेशियो? एक तो आपका अगर जीनोटाइप, यहाँ पर जीनोटाइप नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख लेना जीनोटाइप रेशियो कितना निकला, 1:2:1, और बौने फिनोटाइप रेशियो कितना निकला, 3:1। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतना सब बनाओगे, ये आपका एक चार्ट है, इसको बना दोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखो चेकर बोर्ड के माध्यम से अगर बोला तो ये आपने बॉक्स बनाया, एक तरफ मेल कर दो, एक तरफ फीमेल कर दो, और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो देखो प्रश्न क्या बोलता है, F2 जनरेशन में भी आपको चेकर बोर्ड बनाना है और F1 जनरेशन में बनाना है, लेकिन प्रश्न जो सेकंड में पूछा था वो क्या दिया था? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा यहाँ पर? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, वही बस पूछा था। तो दैट्स इट, कंप्लीट ये हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो प्रश्न क्या लिखा, बैक क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। पेपर में आया है छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2021 का ये प्रश्न है, सेट सी में आया है, बहुत 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 इजी है भाई। बैक क्रॉस को उचित उदाहरण देना समझाइए। अब बैक क्रॉस क्या होता है? देखिए कोई भी आप संकरण करा लो, उसको एक जनक, देखो जनक, देखो इसको ऐसा बना देती हूँ, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। अभी हमने क्या देखा था, लंबाई पौधे की बात की थी क्या, है ना, आप प्रभावी और अप्रभावी जनक हो गया ये। इस जनक को जब हम क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, क्या बनता है भाई? हमने बना दिया क्या, ये अपने युग्मक बना दिया, युग्मक का हमने क्रॉस करा दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या, सेम वही जो एक संकरण में किए थे वही करोगे सबसे पहले, ठीक है। और क्या करोगे यहां पर, थोड़ा कर लूं पहले, है ना। तो देखो जब आप, ये क्या है प्रभावी लंबा पौधा, ठीक है, ये क्या है आपका बौना पौधा, दोनों के बीच हम संकरण करा दिए। और क्या कराएंगे, संकरण कराने के बाद जो भी F1 संतति आती है उसी का हम जनक सेल, किसी भी जनक सेल के साथ हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो जो हमारा F1 जनरेशन में मिलता है ये युग्मक हो गया, ठीक है, ये जनक हो गया, ये F1 पीढ़ी हो गई। F1 पीढ़ी में जो भी संतति प्राप्त होती है, जैसे F1 संतति में क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। इसका हम कोई भी जनक के साथ, चाहे हम लंबे पौधे जनक के साथ, चाहे हम बौने पौधे जनक के साथ क्रॉस करा देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं बैक क्रॉस कहते हैं। चलिए मैं इसको करा देती हूँ इसके साथ, कैपिटल स्मॉल टी के साथ मैंने क्रॉस करा दिया। तो भाई अब युग्मक निकाल दो,
युग्मक निकालो तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और ये क्या है आपका स्मॉल टी हो गया कैपिटल टी, ये क्या आ जाएगा स्मॉल टी, अपने कॉपी में निकालो बहुत इजी है, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कितने बने दो आपके जो बने यानी कि 50% 50% जो चांस है संकर क्या बनाइए संकर लंबा पौधा 50% चांस है 50% चांस है संकर लंबा के, ठीक है संकर लंबे पौधे बनने के और 50% चांसेस है बौना पौधा बनने का, ठीक है 50% चांस है किसके आपके संकर लंबा पौधा बनने के और 50% चांस है बौना पौधा बनने के, तो ये है आपका क्या बैक क्रॉस। एक इसी में एक और प्रश्न बनता है क्या परीक्षण संकरण, सेम है बस आप क्रॉस कराओगे किसके साथ आप अप्रभावित जनक के साथ ही क्रॉस कराओगे और ये जो बैक क्रॉस है आप किसी के साथ भी करा सकते हो चाहे वो प्रभावी के साथ हो चाहे वो अप्रभावी के साथ हो दोनों ही है, तो दोनों ही को एग्जांपल को आपको याद रखना क्रॉस करने वाला जनक, ठीक है तो ये था बैक क्रॉस और ये क्या था आपका परीक्षण संकरण, ठीक है तो लिखा है क्या यहां पर देखो बैक क्रॉस क्या है जब किसी संकर का किसी भी जनक से किसी भी मतलब प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो संकरण कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस कहते हैं, ये समझ आ गया होगा वही एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का संकरण करा देंगे जो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी उसका किसी भी जनक से चाहे इसके साथ करा दो चाहे इसके साथ करा दो उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है सेम उसी तरह परीक्षण है उसमें क्या करेंगे जब किसी संकर का किसी जनक से संकर तो यहां पर क्या जाएगा अप्रभावी जनक से संकरण कराएंगे, ठीक है अप्रभावी जनक से ही संकरण कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण कहते हैं, ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, तो आई होप बच्चों ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा एक संकर संकरण किसको बोलते हैं और इसी में ही आपका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, कभी कभी जीनोटाइप फिनोटाइप सिर्फ रेशियो भी पूछा जाता है इसके अनुपात पूछेंगे एफ टू जनरेशन में क्या होगा ये पूछा जाएगा, कभी कभी सिर्फ प्रभाविता का नियम क्या है इसको बताइए पूछ देता है, तो एक दो एक ही प्रश्न में तीन चार प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, तो इसी तरह आप देख रहे हो कि हम एक प्रश्न के अंदर तीन चार प्रश्न उतार रहे हैं मतलब अगर एक आप बना लिए तो वहां पर ऑटोमेटिक तीन से चार जो भी का क्वेश्चन वहां आप लिख सकते हो, तो आपने परीक्षण संकरण के बारे में देखा आपको रिवीजन चल रहा है तो रिवाइज करते जाएं, ठीक है आप बैक क्रॉस के बारे में देख रहे हो एक संकर संकरण के बारे में देख रहे हो तो ये सारे के सारे तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक और पार्ट में बनाऊंगी इसी से रिलेटेड जिसमें आपको दिखाई देगा जो आप पढ़ते हो सिंड्रोम के बारे में उसका भी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाली हूं, तो अभी तक आप जितना पढ़ चुके उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है यदि आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसको मैं डिटेल करूंगी, आपको लगता है कि ये टॉपिक है कि मैम आपको डिटेल करना चाहिए आप शॉर्ट में मत समझाओ तो मैं उसको आगे डिटेल करके और बताऊंगी, तो आप मुझे सबसे पहले कमेंट करेंगे आप ही लोग मुझे आगे बढ़ा सकते हो मतलब अगर आप ही लोग आप देखोगे और आप मुझे अपने डाउट को क्लियर करोगे, ठीक है तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए धन्यवाद।